जय आयुर्वेद। तो आज सुबह प्रातः कफ काल में ये आप प्रधान शुद्धि बमन थेरेपी का जो कार्यक्रम है उसको देख सकते हैं। तो हम बना रहे हैं मदन फल पिप्पली आदि योग। तो सबसे पहले जो है वो मधु जाएगा और 10 से 15 ml जो है ये मधु, अब इस मधु का जो है वो मर्दन होगा अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि ये शहद है और सबसे पहले इसको मदन फल पिपली कषाय में डालने का जो है वो विधान है, क्योंकि ये ऑस्पिशियस है, पवित्र है। तो इसका मर्दन, उसके बाद जो है वो सेंधवा लवण, उसके बाद जो है ये मदन फल और ये वच और ये हरित की, और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो स्वयं एकत्रित किए गए हैं। तो ये मधु मर्दन और ये सेंधवा और ये शहद मधु का मिश्रण जो है, होमोजेनियस मिक्सचर जब तक नहीं बन जाता तब तक हम इसको जो है वो मर्दन करेंगे, और क्लॉकवाइज इसको हम जो है वो मर्दन करेंगे ताकि ये प्रॉपर होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो बने। और वैद्यनैन से ये मदन फल पिपली आदि योग जो है वो बना रहे हैं। प्रातः काल 4:30 का समय है और अब मधु और सेंधव मिश्रण होमोजेनियस बन चुका है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मदन फल। तो ये मदन फल हमने स्वयं संग्रहित किया हुआ है, वो हमने डाल दिया है इसमें। अब इसका भी प्रॉपर होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो तैयार होगा। अब मधु, सेंधवा और मदन का ये प्रॉपर वे में होमोजेनियस मिक्सचर बनने के बाद हम इसमें मिश्रण कर देंगे वच, और ये एक्रोस कैलमस वच, इसको भी प्रॉपर वे में होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो इसका तैयार होगा। और वैद्य नैन्सी लगी है इस तरह से। और अब अंत में हम डाल रहे हैं इसमें हरित की चूर्ण, ये भी स्वयं संग्रहित करके इसका चूर्ण बनाया है फ्रेश फॉर्म में, और इसको भी प्रॉपर होमोजेनियस मिक्सचर हम बनाएंगे। और अंत में इसमें जो है वो यष्टि मधु फांट शने शने इसमें हम मिलाते जाएंगे ताकि प्रॉपर होमोजेनियस इसका मिक्सचर बने। मैं डाल रहा हूँ और वैद्यनैन्सी इसको जो होमोजेनियस मिक्सचर में बना रहे हैं। तो इसको जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर यष्टि मधु फांट में। अब मदन फल पिपली योग बमन द्रव्य के तौर पर जो है वो तैयार है, और इसे गिलास में डालकर रोगी को बमन करवाने के लिए प्रमुख औषधि द्रव्य के रूप में जो है वो दिया जाएगा। तो जय आयुर्वेद, जय आयुर्वेद, सर्वे भवन्तु सुखिना। भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना कि इसको लेने वाला रोगी शीघ्र स्वास्थ्य को प्राप्त हो। आरोग्यम आरोग्यम, शुभमस्तु।